हेलो फ्रेंड्स, अभी जो मेरे पास सेट है वो नार्जो 50A है, रियल मी नार्जो 50A। ये ड्रॉप डाउन केस है और अभी ये सेट है डेड है, बंद है, तो हम इसे चेक करते हैं। तो चलिए मैं एक बार सबसे पहले इसमें चार्जिंग केबल जो आता है हमारा चार्जिंग पोर्ट 6 पोर्ट वाला, उससे चार्जर केबल लगाते हैं और इसका एम्पियर चेक करते हैं कि एक्चुअली में ये एम्पियर कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखिए, जैसे कि मैंने लगाया और इसके 6 नंबर पे जैसे कि आप देख रहे हैं कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो ये तो इससे पता चलता है कि हमारे बोर्ड में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि अगर कंज्यूम करता तो हमारा बोर्ड ओके होता। तो चलिए एक बार हम डीसी पावर इसे चेक करते हैं। देखिए मैं पहले केबल लगाता हूँ। जैसे ही मैंने केबल लगाया, देखिए एम्पियर कंज्यूम होना, ऑटोमेटिक एम्पियर कंज्यूम कर रहा है बिना पावर ऑन ऑफ दबाए। 52 के आसपास ये जा कर के स्टक हो गया, मतलब ये ऑटो कंज्यूम कर रहा है, एम्पियर ऑटो एम्पियर ले रहा है ये सेट जो है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में लीकेज की कंडीशन होगी या तो VPH लाइन में 100% इसमें होगा। तो चलिए एक बार हम इसका मैं मल्टीमीटर से चेक करते हैं। देखिए रिवर्स बायस में और फॉरवर्ड बायस में 2500 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर VPH का मैं फॉरवर्ड में चेक कर रहा हूँ, देखिए 542, रिवर्स में 373 ये शो कर रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर हमको लीकेज मिल रहा है VPH लाइन पे, और अभी हम इसकी जो पावर एसी है, पावर एसी का जो सील्ड है वो मैंने पहले से निकाला हुआ है ताकि हमारा जो वीडियो है वो लंबी ना बने। देखिए यहाँ पर मैंने सील्ड निकाला हुआ है और बिल्कुल पावर एसी बिल्कुल फ्रेश है। और इस केस में जो पावर एसी का इनपुट होता है VPH होता है, मैंने इस कैपेसिटर पे चेक किया हुआ है, यहाँ भी लीकेज है 542 और 373। यहाँ पर देखिए अभी VPH की शॉर्टिंग हट गई है, जैसे कि हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर VPH की शॉर्टिंग बिल्कुल हट गई है, निकल गई है पावर ऐसे निकालने से, इससे पावर ऐसे हमारी फॉल्टी थी। चलिए हम इसमें नया पावर ऐसे इंस्टॉल करते हैं।
चलिए अभी हमने यहाँ पर आईसी लगा ली है और क्लीन भी कर लिया है, तो चलिए इसे हम पैनल में फिट करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। ये हम पीछे इसके चार्जर लगाते हैं, देखिए यहाँ पर चार्जिंग का लोगो आ गया है लेकिन बैटरी काफ़ी डाउन है इसका, तो चलिए हम इसको मैं एक बार आपको डीसी पावर सप्लाई से ऑन करके दिखाता हूँ। बैटरी का चेक निकालने के बाद ये डीसी का मैंने केबल लगाया अच्छे से और यहाँ से मैंने ऑन ऑफ प्रेस किया, हल्का वाइब्रेट हुआ है देखिए इस तरफ, ये देखिए मेरा सेट ऑन हो चुका है। तो देखा दोस्तों मैंने किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया है, जब भी कोई डेट सेट आता है तो किस तरह से चेक करना है अगर वो ऑटो एम्पियर लेता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।